बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के बुक के 9वें चैप्टर की शुरुआत इस वीडियो के साथ हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ और इस वीडियो में हर लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस चैप्टर को तीसरे पैराग्राफ तक समझेंगे। हमेशा की तरह हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीडिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उन सभी को समझते हुए चलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि इस चैप्टर के साथ साथ बाकी जितने चैप्टर हैं उनके पीडीएफ नोट्स और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको एक जगह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने ऐप आप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे जरूर इंस्टॉल कर लें सारे नोट्स वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज एक जगह पाने के लिए। और यदि आप ये सब कुछ कर चुके हैं तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह चैप्टर की शुरुआत होगी राइटर के इंट्रोडक्शन के साथ। इस चैप्टर के ऑथर हैं एच ई बेट्स और उनके बारे में लिखा गया है कि एच ई बेट्स 1905 टू 1974 बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड वॉज वेल एक्वेंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड स्पेशली द पेजेंट्स हु लिव्ड देयर। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। एक शब्द है यहाँ पर सेंट्रल, सेंट्रल का अर्थ होता है मध्य, एक्वेंटेड का अर्थ होता है परिचित, कंट्री साइड जो बाहरी हिस्सा होता है किसी भी देश का, गांव वगैरह के हिस्से, स्पेशली यानी खासकर, पेजेंट्स कहते हैं किसानों को, वेल नोन का अर्थ होता है अच्छी तरह से उससे परिचित होना, और जर्नलिस्ट कहते हैं पत्रकार को जो समाचार वगैरह के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एच ई बेट्स जो थे उनका जन्म हुआ 1905 में और उनकी मृत्यु हुई 1974 में। इनका जन्म हुआ था नॉर्थहैम्पटन में जो कि सेंट्रल इंग्लैंड में। वो बहुत अच्छी तरह परिचित थे किस चीज के साथ, इंग्लिश कंट्रीसाइड। यहाँ जो इंग्लिश शब्द है इसका अर्थ है इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड के कंट्रीसाइड, यानी इंग्लैंड के बाहरी हिस्से जो गांव वगैरह थे उन सभी से, खासकर किससे, तो किसान वगैरह जहां पर रहते थे, द पेजेंट्स हु लिव्ड देयर, जो कि वहां किसान रहते थे उनके जिंदगी से वो बहुत अच्छी तरह परिचित थे। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो एच ई बेट्स हैं वो काफी जाने माने लघु कथा लेखक हैं, शॉर्ट स्टोरीज के लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने उस समय तक एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया था एक पत्रकार के तौर पर। हिज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन द रॉयल एयरफोर्स। नॉवेल कहते हैं उपन्यास को, पब्लिश्ड यानी प्रकाशित होना, और शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथाएं, एयरमैन जो एयरफोर्स में सेवा देते हैं अपनी उनको एयरमैन कहा जाता है, एडवेंचर काफी साहसिक कोई भी काम वो एडवेंचर कहलाता है, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव, और रॉयल एयरफोर्स ये जो इंग्लैंड की जो एयरफोर्स होती है उसे रॉयल एयरफोर्स कहा जाता है, उसी तरह इंग्लैंड की नेवी को रॉयल नेवी कहा जाता है। समझते हैं यहाँ पर कि इस चैप्टर में कहा गया, इस लाइन में कहा गया जा रहा है। His first novel, उनका पहला उपन्यास, वो कब पब्लिश हुआ था, when he was only 21 years old, जब केवल 21 साल के थे। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जो कि किस पर आधारित थी, एयरमैन के बारे में जो कि एयरफोर्स में काम करते थे उनके बारे में और उनके साहसिक कारनामों के बारे में। किस चीज पर आधारित होती थी ये सारी चीजें, जो उनके खुद के अनुभव रहे थे रॉयल एयरफोर्स में, यानी एक तरफ तो वो कुछ समय तक जर्नलिस्ट भी रहे और इसके अलावा वो जो थे रॉयल एयरफोर्स में भी अपनी सेवा दे चुके थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944, द पर्पल प्लेन 1947, द जैकारेंडा ट्री 1949, द स्कारलेट स्वर्ड 1951 एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958। इंपॉर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वर्क यानी काम, पर्पल कहते हैं बैगनी से मिलता जुलता कलर, प्लेन यानी समतल जगह, स्कारलेट चमकता हुआ, स्वर्ड यानी तलवार, डार्लिंग कहते हैं कोई भी प्यारी चीज को, और बर्ड्स कहते हैं कलियों, जो कली होती है फूल का जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है, फ्लावर जब इनिशियल एज में होता है, जब शुरुआत में फूल खिलता है उस समय उसे बर्ड्स बोलते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, किसका इंपॉर्टेंट वर्ड, जो एच ई बेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। एच ई बेट्स के अगर मुख्य कामों की बात करें तो उनके कामों में एक किताब है उनकी, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, ये 1944 में आई, द पर्पल प्लेन नाम से किताब आई 1947 में, द जैकारेंडा ट्री 1949 में, द स्कारलेट स्वर्ड ये आई थी 1951 में, और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे ये आई 1958 में। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ
सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी हु अपियर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन. प्रेजेंट यानी ये वर्तमान में जिस कहानी की बात हो रही है, द अर्थ इसका मीनिंग आप यहीं पर समझ लीजिए कि यहां अर्थ कोई प्लैनेट की बात नहीं हो रही है, अर्थ का अर्थ है यहां पर जमीन. और सेट यानी उस पर आधारित होना, कंट्री साइड बाहर का हिस्सा है देश का, साइड किनारे का हिस्सा, और अबाउट यानी उसके बारे में, फार्मर यानी किसान, अपीयर मालूम पड़ता है, सिंपल बहुत ही साधारण, माइंडेड यानी बुद्धि, पर्सन यानी इंसान. ये जो अभी की कहानी है, जो शॉर्ट स्टोरी है द अर्थ, जिसको कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ने समझने जा रहे हैं, ये किस चीज पर आधारित है? इंग्लिश कंट्री साइड, इंग्लैंड के किसी एक गांव कबीले के इलाके की कहानी है, जो एक किसान के बारे में. उस किसान का नाम जॉनसन है और उसका एक बेटा है जिसका नाम बेंजी है, जो कि कैसा मालूम पड़ता है, बहुत ही साधारण बुद्धि का इंसान मालूम पड़ता है. द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम. डिपिक्ट का अर्थ होता है चित्रित करना, किसी चीज को दर्शाना. लेजीनेस आलसपन को कहते हैं. इसके बाद अगला शब्द है हमारा पेरेंट्स, माता पिता को. ग्रोइंग यानी बढ़ता हुआ, सेल्फिश कहते हैं स्वार्थ को, और सेल्फिशनेस का मतलब हुआ स्वार्थी बना. कनिंगनेस, कनिंग कहते हैं धूर्त को, जो कि चालाकी के साथ अपना काम निकालता हूं, और कनिंगनेस यानी धूर्तता. सिंपल माइंडेड साधारण बुद्धि का इंसान. फाइनली आखिरकार, ड्राइव यानी निकाल देना, अवे यानी दूर, कहां बाहर, तो अपने घर से. कहा क्या जा रहा है, ये कहानी जो है वो इस चीज को दर्शाती है. किस चीज को? आलसपना को, जो कि उसके माता पिता दिखाते हैं, और एक तरफ सेल्फिशनेस और कनिंगनेस, एक तरफ उसका स्वार्थीपना बढ़ता चला जाता है और उसकी धूर्तता बढ़ती चली जाती है. किसकी? उनका जो सिंपल माइंडेड बेटा था, जो कि साधारण बुद्धि का बेटा था उनका, उसकी धूर्तता बढ़ती चली जाती है. और अंत में वो क्या करता है, वो आखिरकार उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल देता है. चलिए, यहां तक में हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है और अब इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं. कहानी शुरू होती है कि ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ. Very often it seemed as if it were all they had ever had. हमने पहले ही कहा, इस चीज को देख लिया है कि अर्थ का मीनिंग जो है यहाँ पर वो है जमीन. यहाँ कोई इसका मीनिंग वो प्लैनेट वाले ग्रह की बात नहीं हो रही है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही. वेरी यानी बहुत, ऑफ्टन यानी अक्सर, एवर हैड जो कि उसके पास था. कहा जा रहा है कि जो कुछ भी जॉनसन के पास था, जॉनसन्स लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि मिस्टर एंड मिसेज दोनों की बात हो रही है. जब सरनेम प्लूरल में लिखते हैं, यानी कि उन दोनों की बात हो रही है, कि जॉनसन दंपति के पास, यानी वो जो पति पत्नी थे, उनके पास जो कुछ भी था वो बस उनकी जमीन थी. और अक्सर ही ऐसा मालूम पड़ता था, सीम का अर्थ होता है मालूम पड़ना, कि इफ इट वेर ऑल दे हैड एवर हैड, यानी कि पूरी जिंदगी में उन्होंने जो कुछ भी जुटाया था वो बस यही था. It was true that they also had possessions, a plow, a two-wheeled cart, tools, a bony brown mare, which slowly dragged the plow and the cart about their rough 4-acre plot. But without the earth, these things were useless. It was true that they also had a son. True का अर्थ होता है सही होना. Possessions उनकी जो संपत्तियां थी, plow यानी हल, टू व्हील्ड दो पहिया, काट यानी गाड़ी, पुल यानी हथियार, बोनी ब्राउन मेयर यानी कि एक छोटी सी जो थी उनकी, भूरे रंग की एक घोड़ी थी, ड्रैग यानी खींचना, काट यानी गाड़ी को, रफ यानी कि मिला जुला कर, यूजलेस बिना काम की, अनुपयोगी. इट वॉज ट्रू, ये सच है कि उनका जो, अगर जमीन की बात करें तो उसके अलावा भी उनकी कुछ संपत्तियां थी. एक हल था उनके पास, दो पहिया, एक गाड़ी थी, कुछ औजार थे, एक घोड़ी थी भूरे रंग की, जो कि क्या करती थी, स्लोली खींचती थी, धीरे धीरे हल को खींचती थी और उनकी गाड़ी को खींचती थी. कहां पर? तो वो जो उनका 4 acre का प्लॉट था. लेकिन अगर इन सब चीजों को देखें तो उसके जमीन को अगर हटा दिया जाए, उसके बिना तो ये चीजें भी यूजलेस हो जाती. दीज थिंग्स वेर यूजलेस, ये भी किसी काम की नहीं रहती. इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड अ सन, और ये भी सच है कि उनका एक बेटा था. द जॉनसन्स सन वॉज नेम्ड बेंजी
एंड इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स सिंस दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड. सिंस यानी तब से, जब से, ऐसा कह सकते हैं, सरेंडर यानी हथियार डाल देना, ये मान के बैठ जाना, आइडिया यानी विचार, राइट यानी सही होना, इन हिज हेड यानी कि दिमाग से. जॉनसन्स का जो बेटा था उसका नाम था बेंजी, और इस बात को 30 साल से ज्यादा हो चुके थे जब से वो ये मानकर बैठ गए थे, उन्होंने इस बात के आगे हथियार डाल दिया था, इस विचार के आगे कि वो जो लड़का है उनका, ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, यानी उसका दिमाग सही नहीं है, वो सामान्य इंसानों की तरह नहीं है. It was not that he was insane or imbecile or even that he could not read and write and count figures, but only that he was simple, not quite like other people. Insane कहते हैं पागल को, imbecile असभ्य तरीके से जो रहता है, count यानी गिनना, figure कहते हैं आंकड़ों को, simple साधारण, quite बिल्कुल. अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि वो पागल की तरह करता था, या ऐसा भी नहीं था कि वो असभ्य था, ना ही ऐसा था कि वो पढ़ नहीं सकता था या लिख नहीं सकता था या कोई भी उसको आंकड़ा दिया जाए तो उसको गिन नहीं सकता था. बस ऐसा था कि वो सिंपल रहता था, साधारण सा था, और बिल्कुल भी दूसरों की तरह नहीं था, नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल, यानी बिल्कुल भी वो दूसरों के जैसा नहीं था. एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, द जॉनसन्स हैड स्पेंट मैनी ईयर्स बींग अ लिटिल टू काइंड, too anxious and too sacrificial towards him, so that he had grown up to seem worse in their eyes than he really was. Because का अर्थ हुआ क्योंकि, only यानी अकेला, इकलौता, kind दयालु, anxious बेचैन होना, sacrificial यानी बहुत ज्यादा त्याग करना, बलिदान देना, towards यानी किसी के लिए, फिर यहां पर grown up यानी बड़ा होना, seem लगना, worse यानी और बेकार होते चले जाना, ये bad का past form है कंपैरेटिव डिग्री में, वर्स होता चला गया, और खराब होता चला गया. आगे क्या कहा जा रहा है कि और क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, तो जॉनसन्स फैमिली जो थी उन्होंने बहुत सारे साल बहुत उसके लिए दयालु रहे, वो बहुत उसके लिए बेचैन रहे, चिंतित रहते थे, बहुत उसके लिए सेक्रीफाइसेस किए, बहुत बलिदान दिया, बहुत सारी चीजों का त्याग किया उसके लिए, ये सोचकर, सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स, इस चीज के वजह से होता यह गया कि वो और भी बिगड़ता चला गया. लेकिन रियल में हो रहा था या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनकी नजरों, इन देयर आइज, देन ही रियली वाज, हकीकत में वो क्या था वो बिल्कुल अलग बात है, तो हकीकत से बहुत अलग. अगर वो उनकी नजरों से देखें, किनकी नजरों से, जॉनसन्स की नजरों से, तो उनका बेटा और भी ज्यादा खराब होता चला गया, यानी कि वो साधारण बुद्धि का इंसान था, सिंपल माइंडेड था, वो ग्रो नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी उनके अपनी नजरों में. बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स दैट ऑफ्टन बिलोंग टू द सिंपल माइंडेड एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस. ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन. हिज आईज वेयर ब्लू एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड अ सिंपल स्माइल on his face. Loose कहते हैं ढीला, limbs यानी body के parts, belong से शामिल होना, किसी से मिलता जुलता होना, thick मोटा, fair सफेद, सुनहरे hair यानी बाल, look उसका जो दिखने का sense है यहाँ पर, the look of जो उसका दिखावट है, simple hearted बहुत ही सादे दिल का, सीधा साधा, all day पूरे दिन भर, all day long. बेंजी हैड लार्ज लूज लिम्स, उसके बड़े ढीले ढाले बॉडी पार्ट्स थे, जो कि अक्सर कहीं ना कहीं सिंपल माइंडेड लोगों के होते हैं, जो साधारण बुद्धि के लोग होते हैं उनका शरीर में आप देखेंगे कि वो फिट नहीं होते, वो बहुत अच्छा उनका शरीर का बनावट नहीं दिखता, लुंज पुंज शरीर रहता है उनका, तो कहीं ना कहीं वैसा ही उसका भी दिखता था, उसके मोटे सुनहरे बाल थे जो उसके चेहरे पे भी थे, और उसका देखने से ऐसा लगता था कि कोई एक सिंपल हार्टेड मैन, बहुत ही सीधा साधा इंसान, और सिंपल सादा बुद्धि का भी है, सिंपल दिमाग है, बहुत ज्यादा शातिर नहीं है, तेज नहीं है, उसकी आंखें नीली थी और पूरे दिन वो एक सिंपल सी स्माइल अपने चेहरे पे रखता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था. बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आईज, द सिंपल स्माइल एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, हिज सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम अ काइंड ऑफ कनिंग. समवेयर कहीं ना कहीं बिहाइंड, उसके पीछे, चाइल्डिश बच्चों जैसा, सिंप्लिसिटी सादगी, सीम्ड
ऐसा लगना ग्रेजुअली लगातार, अ काइंड ऑफ एक तरह का कनिंग यानी दौलत। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ ठीक है कि उसके अच्छे सुनहरे बाल थे, चेहरे पे भी उसके बाल आते थे, वो हमेशा स्माइल करता रहता था, उसका बॉडी पार्ट्स ऐसा था, वो सिंपल हार्टेड लगता था, सिंपल माइंडेड लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के पीछे, उसकी नीली आंखों के पीछे, उसके सिंपल स्माइल के पीछे, और उसके जो सॉफ्ट बच्चों जैसे बाल थे, उन सब के पीछे उसकी जो सादगी थी ना, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। वो क्या होता चला जा रहा था, एक तरह से धूर्त होता चला जा रहा, यानी वो हो कुछ रहा था, दिखा कुछ और रहा। आखिर कहानी कहां पर मोड़ लेती है, जिसमें कि यहां पर एची बेट्स ने कहा था कि वो अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देगा, जबकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत उसके लिए चिंतित रहे, बहुत उसके प्रति दयालु रहे। ये सब कुछ कहानी को अगले पार्ट में समझते हुए हम लोग देखेंगे। अगले पार्ट में हम इसे पैराग्राफ 6 तक समझेंगे। मेरी आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे लाइन बाय लाइन वहां तक पढ़कर ही अगला पार्ट देखें। सारा पीडीएफ नोट्स आपके ऐप पर अवेलेबल है, आप जाइए वहां से उसे पढ़िए और अगले पार्ट को पढ़ने के बाद ही देखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, इसी तरह पढ़ते सीखते रहिए। वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।